नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। जब हम कप्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं लव की, इमोशन की, फीलिंग्स की, रिलेशनशिप्स की, और ये एक सेंसिटिविटी के लिए भी स्टैंड करता है। समवन हु इज सेंसिटिव, समवन हु इज केयरिंग, समवन हु इज इमोशनल। और कप्स का जो एलिमेंट है वो वाटर है, विच इज़ अ परफेक्ट सिंबल व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एंड लव। आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के बात करने से पहले हम बात करेंगे उसके कीवर्ड्स के बारे में। किंग ऑफ कप्स के कीवर्ड्स बनेंगे इमोशनली बैलेंस्ड, कंपैशनेट, डिप्लोमैटिक, इनर फीलिंग्स, काम, केयरिंग, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, वाइस, टॉलरेंट एंड काउंसलर। सो सबसे पहले इसके पिक्चोरियल में जाएंगे। पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि किंग एक मेल फिगर जो कि अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। अब आप ये ध्यान दीजिए, इसका थ्रोन जो है इट इज़ नॉट ऑफ स्टोन। नहीं तो अक्सर जो है, इवन हम अगर क्वीन ऑफ कप्स के साथ कंपेयर करें, उसका स्टोन, उसका जो थ्रोन है वो स्टोन का है। एंड जो किंग ऑफ कप्स का जो थ्रोन आप देख रहे हैं वो स्टोन का नहीं है। दैट मोर लुक्स लाइक अ सोफा, यू नो, मोर कंफर्टेबल। सो सेकेंडली, ही होल्ड्स अ वेरी बिग कप इन हिज राइट हैंड एंड ऑन हिज लेफ्ट हैंड ही होल्ड्स अ स्मॉल वॉन्ड ऑफ कंट्रोल विद विच ही कंट्रोल्स द होल किंगडम, द होल एरिया इन विच ही इज द किंग। और हम बैक साइड में देखते हैं, देर इज अ फिश एंड सेकेंड देर इज अ शिप विच लुक्स लाइक इट इज अबाउट टू बी ड्रोन। अब इसके मीनिंग में जाएंगे। सबसे पहले तो आप किंग की फिगर को देखेंगे, उसका फेस देखेंगे। सो देर इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज अबाउट इट, राइट? ही लुक्स वेरी कन्फ्यूज, ही लुक्स वेरी, you know, uneasy where he is. It looks like, you know, he's asking, you know, like, are you sure you're talking to me? Are you sure you're looking at me? So it's like question mark when you look at his face. It's like he's not really happy being the king. तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये सवाल उठता है। And और अगर आप उसका देखें, उसका जो right leg है, उसका right foot जो है, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज रेडी टू वॉक आउट, ही इज रेडी टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड जस्ट, यू नो, स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। सो इट्स लाइक ही इज इन अ पोजिशन वेर ही इज नॉट रियली हैप्पी। दिस इज वॉट इज शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वाई इज लाइक दैट, यू नो, ही इज द किंग ऑफ कप्स, ही इज द किंग, वाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस? बिकॉज ही इज द किंग ऑफ इमोशंस, because he's the king of feelings, because he's someone, you know, it is like, because he's so much emotional inside, he's someone who is so sensitive inside, that being king is like so difficult for him. It is like crushing his feelings. He wants to do something else, rather be a king. He would like to be a painter, he would like to be an artist, he would like to sing songs, he would like to just write poetry. That's what this king is. But somehow he finds himself in a position where he is doing things which he is not happy about. Probably he is one of the lawyer and he is in the courthouse and he is kind of argumenting, and simply he feels, you know, that, you know, this is not for him. Probably he is someone who is in the army and such a big accident, you know. Think about it. Someone so sensitive and someone so emotional, and if someone like this, you know, goes to the army, he not only kill himself, you know, but he is also kind of so much a problem for all the people around, because he will never be able to adjust, and it's a risk for the army too. So the thing is, emotion can actually conflict with his responsibility. Imagine, you know, because we are actually referring as a king, the whole kingdom depends on him.
चाहे हम किंगडम की बात ना करें, लेकिन अगर हम बात करें कि लाइक दैट ही इज़ एट अ पोजिशन वेयर पीपल आर डिपेंड ऑन हिम, पीपल लुक एट हिम एंड ही इज़ समवन हु इज़ टेकिंग डिसीजंस, हु इज़ एट अ बिग लेवल, तो somehow he has become a judge but he is not happy. So that's what is actually shown, that it is not very reliable to be dependent on this king because he is more of the emotional nature. What is missing here is the sword is missing. The intellect is also needed to balance the element of cup here, because the cup is like too much. And what and where he sits is somewhere it also needs to be balanced. Just emotions, then it is not going to give you the right decision. You will not be able to lead to the right path. So he doesn't like his responsibility. He wants to be a knight again. He wants to go back being a knight and not like taking any responsibility, just being like a teenager and happy being like there. So तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो king of cups है, he is more like a teenager inside. His body has probably grown, he has become like a man, he has become a man, but inside he is still a teenager. He still wants to, you know, roam around and, you know, have fun, and he doesn't want anyone give him any kind of a responsibility. That's what the king of cups is. एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम अक्सर जो है मैन के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, यू नो दैट यू नो ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, ही शुड नॉट बी इमोशनल. हम अक्सर जो है ये एक इस तरह की एक बात करते हैं, अगर कोई आदमी जो है इमोशनल हो जाए, अगर कोई आदमी रोने लग जाए, तो हम उसको सबसे बड़े ताना तो हम ये देते हैं, तो आदमी है या औरत है? जैसे कि सिर्फ औरत रो सकती है और आदमी नहीं रो सकता. How strange is that? We are almost have the same qualities in men and women. We almost share the same qualities. It's just that, you know, man is little more man and woman is little more woman. और बहुत बार जो है nature ने इस तरह का proportion नहीं रखा है. Sometimes a man is more emotional and a woman is more man. In this case, the king of cups, अगर हम बात करें, he is someone who is more emotional, is more on the sensitive side. और इसको इस किंग को अक्सर ये बातें सुनने में मिली हैं अपने परिवार से, अपने फ्रेंड्स से, एंड द पीपल अराउंड हिम, दे हैव बीन टॉकिंग टू हिम, यू नो दे हैव बीन यू नो सेइंग दीस नास्टी थिंग्स टू हिम, यू नो लाइक आर यू मैन और नॉट, व्हाई यू क्राइंग लाइक अ गर्ल. और जिसकी वजह से किंग ने अपने इमोशंस को पूरी तरह से दबा दिया. सो ही इज समवन एट अ वेरी So he's someone who is at a very strong position, but he can't express himself. अगर हम example पर बात करें Diana Princess की, तो शुरू में तो जितना pretend हो सकता था उन्होंने करा. She is at a very high position because of the society, because of the, you know, the rule, the British Empire and everything, you know. She pretended as much as she could, but a time came when she gave up. And she said, you know, like, I just want to, you know, be myself now. I want to live with my emotion. I want to live with my creativity. I want to live with my own sensitivity. I don't want to pretend anymore. So, hum almost keh sakte hain ki, like, this man is a perfect example where Diana was, you know. But Diana gave up. And that's why, you know, like we see, जो king का जो right pair है वो बिल्कुल almost जो है वो edge पे है, like he is ready to walk away. He doesn't want to sit. उसको बस एक मौका चाहिए, एक मौका मिल जाए और वो उठ के भागे वहाँ से. तो somehow this responsibility has been given to him and he's trapped. That's why you see his face is like somewhere, he's not really happy. He's like, you know, I'm stuck. I want to come out of this. That's what the king is actually expressing in the king of cups. अब अगर हम बात करें कि पीछे जो है it's like a ship which is about to like be drawn.
it's almost like, you know, that what is symbolical here is that this king, because he's not able to express his feelings and all, so वो ship एक symbolical है कि it's just his sensitivity, his emotions are just going to go down. They're going to get drowned, and he's just worried. You know, what if, you know, he can't express himself? और दूसरा जो है fish का example है, fish is feeling, you know, like even the whole sea can't contain him. So this is what the king is feeling, you know, that no one can understand him, that somehow he's living in a very suffocated environment, and that is why, you know, he becomes diplomatic, that is why he has to pretend, that is why he has to like smile and pretend, you know, like everything is fine. You know, it's much beautiful, it's much honest. If you are not really feeling smiling, you just be the way you are. What is most important is that you be peaceful inside, that you be happy from inside. If you are happy from inside, that outside smile, that will come. If it doesn't come, then also it's okay. What matters the most is that you should be feeling right inside, that you should be feeling good inside. That is what matters the most. तो ये वो किंग है जो अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस कर रहा है, जो कि अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को जी नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए अंदर ही अंदर जो है एक घुटन होती जा रही है. सो जो उसका जो बड़ा जो कप है, वो जो सिग्निफाई करता है, वो यही सिग्निफाई करता है, लाइक ही इज़ लाइक सो मच, ही हैज़ सो मच टू शेयर, ही हैज़ सो मच लव सिटिंग इनसाइड, यू नो. He wants to talk about, he wants to express himself, but he is simply not able to, because क्योंकि अक्सर जो है लव के साथ हमेशा ये होता है, when you have to express it, हम अक्सर ये बोलते हैं कि you know, it's like being in love is like being a fool. So king को सबसे बड़ा जो है खतरा यही है, डर यही है कि लोग उसको fool समझेंगे, and only fools fall in love, no one else. तो अगर इस इन अगर हम किंग ऑफ कप्स को अगर हम रियल लाइफ में ढूंढना चाहेंगे, तो ही कुड बी अ प्रीस्ट, ही कुड बी एन आर्टिस्ट, ही कुड बी अ ऑथर, ही कुड बी अ कुक, बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज विच एक्सप्रेसेस द किंग ऑफ कप्स. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये तीन साइंस हैं जिसके साथ जो है बहुत रिलेट करता है. दीज थ्री साइंस आर स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस. तो जब भी ये आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, द किंग ऑफ कप्स, वो आपको ये बोल रहा है, प्रॉब्ली यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड बट देर इज सो मच सिटिंग इन साइड ऑफ यू. प्रॉब्ली यू आर इन अ रिलेशनशिप वेयर यू फील स्केर्ड दैट इफ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ देन द अदर पर्सन विल रन अवे. बहुतों को ये खतरा रहता है, बहुत ऑलमोस्ट एवरी वन साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, अगर सबके अंदर एक ही फियर होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको आई लव यू बोल दे, तो एकदम से यू नो यू फील यू नो लाइक देर इज समथिंग रॉन्ग, हाउ कैन ही दिस पर्सन लव यू, हाउ कैन दिस पर्सन जस्ट से वेरी ब्लाइंडली यू नो दैट ही लव्स यू. सडनली आपके जो है आपके गार्ड खड़े हो जाते हैं, आपको जो है शक होता है कि यू नो दिस कैन नॉट बी राइट, this person is lying, this person cannot love me, and why all this is happening, why this questioning is happening. The questioning is happening for the simple reason is because you don't love your own self, you are doubtful for your own self, that how can anyone love me when I even don't love my own self, you know. That is what is happening with the king of cups. To aapki reading mein agar ye aa raha hai to aapko jo hai आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करना है, आपको अपने आप को जो है अंदर मुड़ के देखना है कि व्हाट इज़ द राइट वे फॉर यू, हाउ यू कैन मेक थिंग्स राइट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द अदर.
And expressing yourself will make you free, will make you the real king. So just having this feeling inside, being in a position where you are king and you are not really able to live your emotion, तो मैं ये कहूँगा कि उसको king नहीं कहना चाहिए, उसको beggar of love कहना चाहिए. So somewhere he is like a beggar, and probably the only way this person can become a king, or I should say only way he can become a man, is when he is able to express himself, when he is able to express his feelings. So this was my reading for you for King of Cups. I hope you enjoyed it. और मैं आपको मिलूँगा अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते.